कुणाल कामरा की सबको पता होगा, तो मैं बिना इधर उधर की बात शुरू किए मैं संक्षिप्त में बता दूं, कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी को उड़ती फ्लाइट में हरास किया अपने शब्दों से। अर्नब गोस्वामी ने 100% इग्नोर किया, जैसा कि आपको फोटो दिख रही होगी। फोटो दिखा सकता हूँ कि वीडियो पूरी वायरल हो रही है, आप यूट्यूब पर के देख सकते हैं, कोई मेरा मतलब नहीं बनता पूरी पूरी वीडियो डालने का। उसके बाद लगभग सारी एयरलाइंस ने कुणाल कामरा को बैन कर दिया था, विस्तारा रह गई थी उस वक्त। इन्होंने अपने आप को बोस्ट करते हुए, मेरा बहुत मान रखती है विस्तारा, ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट दिखाया कि जब उन्होंने विस्तारा से पूछा कि क्या आप भी मुझे बैन कर दोगे ये वगैरह वगैरह, तो विस्तारा ने बहुत तारीफ़ की, नहीं, आप जैसे लोग तो देश के लिए काम करते हैं, आपको क्यों बैन करेंगे, जबकि वो विस्तारा की असली आईडी भी नहीं थी। विस्तारा ने एक दो दिन पहले अभी कुणाल कामरा को 27 अप्रैल तक के लिए बैन किया है, उसी हरकत के लिए। तो इससे ये साबित हो जाता है कि कुणाल कामरा को कितनी जली है कि उसने फेक आईडी से उसने आपको अपना मान बढ़वाया और बाद में आज कल में जलील हो गया। आपको मैं कुणाल कामरा का एक ट्वीट दिखाता हूँ जिसमें उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है, इतना ट्रोल किया जा रहा है कि मैं हर वो ट्रोल तक नहीं दिखा सकता, कई कई में शब्द ऐसे यूज़ हुए हैं। अब इससे ये पता चल जाता है कि लेफ्टिस्टों की कितनी इज्जत है, उनकी कौन सुनता है। खैर, सबका अपना अपना एक ऑडियंस बेस होता है, अपना अपना एक क्राउड होता है जो उनकी बात सुनता है, ब्लाइंडली फॉलो करता है। तभी तो एक सेगमेंट को पूरा अंधभक्त कह दिया जाता है, मोदी भक्त कह दिया जाता है, और एक सेगमेंट को पूरा चमचा, लेफ्टिस्ट और वगैरह वगैरह हैं। जनता बटी हुई है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बटी है, लेकिन जो एक रिएक्शन मिलता है आपको, आपकी जब आप एक्सपोज हो जाते हैं तो आपको जिस तरीके से जलील किया जाता है, उसमें बहुत मज़ा आती है देखने में कि असली चेहरा सामने आ जाता है, और आप सोचते हैं कि आपने बहुत एक प्राउड फील करने वाला काम किया है किसी को हरास करके उड़ती फ्लाइट में, और आपको फूल माला पहनाई जाएगी, लेकिन आपको ये रिएक्शन देखने को मिलता है। खैर, भारत की जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, खैर इसकी इज्जत इससे ज़्यादा नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इन लोगों को ज़्यादा भाव मिल जाता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ जाते हैं, जैसे कि अभी अर्नब वाला केस हुआ, और पब्लिक ने ना चढ़ाया होता तो इतना इसको कोई जानता नहीं था। खैर, मैं तो नहीं जानता था जब जब से ये एंटी इंडिया बोलने लग गया है। वीडियो चला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।